बाबा रामदेव सोमवार को इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश में जारी आर्थिक मंदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मंदी पर आंखें बंद नहीं कर रखी हैं। सरकार अपने स्तर पर बेहतरी के लिए प्रयासरत है। इन दिनों देश में आग ज्यादा लग रही है, जिसे CAA का मतलब नहीं पता वो PM मोदी को कोस रहे हैं। वहीं JNU में जारी बवाल को लेकर योग गुरु ने कहा कि यहाँ कभी जिन्ना के नाम पर आज़ादी मांगी जाती है, इससे देश का नाम खराब होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी तारीफ की और कहा कि मेरा जितना प्रेम शिवराज सिंह चौहान से है। कमलनाथ एक दूरदर्शी नेता है, उन्हें पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के JNU जाने पर उन्होंने कहा कि दीपिका को भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समझ बढ़ाने की जरूरत है। देश में आग ज्यादा लग रही है। अब मुझे ये बताओ, इस देश में जिन लोगों को CAA की फुल फॉर्म नहीं पता है, वो खड़े होकर के मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। मोदी जी ने किससे क्या छीन लिया भाई, और खुद कह चुके हैं भैया ये कानून नागरिकता किसी की छीनने के लिए नहीं बनाया, ये देने के लिए बनाया है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, फिर भी लोग आग लगाए जा रहे हैं। NRC के नाम पर NRP कर रहे, ये क्या मतलब हुआ भाई? जिन विद्यार्थियों को अपनी BA MA PhD आदि की पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी आजादी भाई आजादी, नेहरू वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, यहां तक कहे तो ठीक है, फिर कहते बीच में जिन्ना वाली आजादी। ये कहां से आ गई भाई जिन्ना वाली आजादी? ये प्रोसेस ठीक है इसलिए, और इससे अपने देश की छवि खराब, अपने इंस्टीट्यूशंस की छवि खराब होती है। इसलिए हम तो ये बात मानते हैं कि यदि देश आगे बढ़ेगा तो पुरुषार्थ से बढ़ेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.